सो वेलकम बैक अगेन. अपने गैशियस स्टेट के डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए नाउ वी डिस्कस अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज. अभी जैसे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी आपने ये देखा कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. और आपने ये भी देखा कि किसी भी गैसीय सिस्टम में सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव नहीं करते. डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स और इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती है. एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो ड्यूरिंग दैट रैंडम मूवमेंट व्हाट हैपेंस, यस ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं. और ये कोलिजन आपने पढ़े थे कैसे हैं, दीज आर इलास्टिक कोलिजन्स. इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब कि द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आफ्टर द कोलिजन. लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, हो सकता है कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज लूजिंग एनर्जी एंड अनदर ऑफ द मॉलिक्यूल इज गेनिंग एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि यहां पर किसी भी तरह का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता. ठीक है, अब जब एनर्जीज एक्सचेंज होंगी तो ऑफकोर्स इनके टकराने से इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज भी चेंज होगी. तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया था कि किसी भी सिस्टम में जो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी. तो इसके लिए दे प्लॉटेड अ कर्व जिसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये क्या है, इट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इस कर्व में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्सेस देयर स्पेसिफिक वेलोसिटीज. ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगेन किसी भी सिस्टम में टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन वन नंबर ऑफ या डेल्टा एन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी वन एंड डेल्टा एन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी टू. तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो कितने हो गए, दैट इज डेल्टा एन वन अपॉन एन. ऐसे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये क्या हो गए, डेल्टा एन टू अपॉन एन. तो ऐसे केस में इन्होंने इन फ्रैक्शंस को प्लॉट किया था अगेंस्ट देयर वेलोसिटीज और जो कर्व मिला इसमें हमें वो कर्व कुछ इस तरह का था. ऑफ कोर्स ये जो ग्राफ किया गया था दैट वाज एट कांस्टेंट प्रेशर. इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. पहली बात आप देख रहे हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटीज बहुत कम है या वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरी स्मॉल. तो इन दिस कर्व दे ऑब्जर्व दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद very low as well as very high velocities are very small, right? तो वो fraction of molecules जिनमें उनकी वेलोसिटीज या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है
ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर। फिर एक चीज आपने देखी कि इस कर्व की जो पीक है वो पीक रिप्रेजेंट कर रही है उस वेलोसिटी को विच इज पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कर्व की पीक उस वेलोसिटी को शो कर रही है जो वेलोसिटी इसमें से सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको याद होगा इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते थे, दिस वेलोसिटी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस कर्व की पीक रिप्रेजेंट कर रही है किसको, द पीक ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी विच इज अगेन आई रिपीट विच इज पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो दूसरा पॉइंट जो आपको मिल गया अ वेलोसिटी विच इज अटेन्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी स्टार से, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बाय द पीक ऑफ द कर्व। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जो किसी भी गैसीय सिस्टम में मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करेंगे वो वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और वो इस कर्व में इस कर्व की पीक से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। So you can say most probable velocity depends upon पहला factor हो गया यहाँ पे nature of gas, नेचर ऑफ गैस से मतलब लाइटर इज द गैस मोर इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहां पर आप ये कह सकते थे कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस, ऑफ कोर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम डिफरेंट गैसेस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज को कंपेयर करें तो यू विल ऑब्जर्व कि द लाइटर गैस हैज हायर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एज कंपेयर टू हैवियर गैस, राइट। सो इसी बात को हम लोग यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ देखें इस केस में, तो वो ग्राफ क्या मिलता है, सपोज इट इज द ग्राफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 300 केल्विन। तो नाइट्रोजन गैस के लिए ये ग्राफ आपको कैसा मिलता है,
So that may be the graph for nitrogen gas at same 300 Kelvin. ठीक है, तो अगेन आपने देखा कि जो टेम्परेचर्स थे दोनों के वो सेम थे, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्युलर मास कितना है, यस द मॉलिक्युलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, जबकि नाइट्रोजन का मॉलिक्युलर मास कितना है 28, तो आपने देखा इसीलिए कि नाइट्रोजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज हायर देन, यस इट इज देन द वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर हो गया. अनदर फैक्टर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अफेक्ट कर सकता है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगेन यू कैन से टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर अ गिवन गैस. और इसको स्टडी किया गया था अगेन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ. सो सपोज किसी ग्राफ के लिए, किसी गैस के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सम वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी एट सम टेम्परेचर टी, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलता है. सो दैट ये क्या हो गया, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस वे यू गेट द ग्राफ. से इट इज अ ग्राफ एट टेम्परेचर T1, और अगर हम कोई दूसरा टेम्परेचर ले T2 विच इज हायर देन T1, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्व कुछ ऐसा हो जाता है. क्लियर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं. पहली बात आप देखो कि फर्स्ट टाइम में जो कर्व की पीक थी वो ज्यादा पॉइंटेड थी, और दूसरे टाइम में कर्व की पीक थोड़ी फ्लैटेंड हो गई, इंडिकेटिंग के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग वेलोसिटी क्लोजर टू द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड. दूसरी बात क्या हुई है, द पीक हैज शिफ्टेड टू राइट साइड. राइट साइड मतलब द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. लेकिन दूसरा चीज एक और आई है यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ द पीक है, हाइट ऑफ द पीक हैज रिड्यूस्ड, पीक की हाइट कम हो गई है, और ये हाइट कम होना ये क्या शो करता है, यस इट शोज कि ऐसे केस में जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पजेस करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अब कम हो चुके हैं. ठीक है, तो इस सारे रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ समराइज कर सकते थे. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहली बात पीक हैज फ्लैटेंड, अब वो उतनी पॉइंटेड नहीं रही जितनी की वो पहले थी. ये क्या शो करता है, शोइंग दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing velocity closer to most probable velocity has increased. ठीक है, आपने देखा कि ये सरफेस, ये जो पीक थी वो फ्लैट हो गई. इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के आसपास थी अब उनका फ्रैक्शन बढ़ चुका है. ठीक है, दूसरा जो आपको यहां से चेंज मिला था वो क्या मिला था, पीक हैज शिफ्टेड टू राइट.
ये क्या शो करता है? शोज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस पीक का राइट शिफ्ट हो जाना आपको ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, तीसरा जो एक और ऑब्जर्वेशन यहां पर मिला आपको, दैट हाइट ऑफ पीक हैज रिड्यूस्ड, पीक की हाइट कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है? शोइंग के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing energy possessing most probable velocity has decreased। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ चेंजेस हमको मिल रहे हैं। पहला चेंज आपको क्या मिला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व थोड़ी की पीक जो थी वो थोड़ी फ्लैट हो गई है। इसका फ्लैट होना क्या शो करता है? इट शोज कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के आसपास थी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, हाइट ऑफ द कर्व कम हो चुकी है। कर्व की हाइट का कम होना ये क्या शो करता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वल होती है वो फ्रैक्शन अब कम हो चुका है। और तीसरी चीज, कर्व की पीक है शिफ्टेड टू राइट, जो ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। और अभी इससे पहले जब मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जरूरत क्यों पड़ी है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जरूरत हमें पड़ी है टू गिव अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन टू गैस लॉज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी गैस लॉज थे वो किन पर बेस्ड थे? देवर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होने चाहिए और वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वी कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ gas laws using kinetic theory of gases। So, सबसे पहले here we talk about the law that is known as बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक गैस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स को देखो तो आपको पता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड्स लगभग कांस्टेंट रहेंगी और ऐसे केस में ये कंटेनर के पार्टिकल्स के साथ दे विल कोलाइड फॉर सम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ये गैस के कंटेनर के साथ ये कोलाइड करेंगे और इस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी एज यू नो के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस पार्टिकल्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अब आप देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई
ये सिस्टम है विच इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन. यहाँ पर इसका अपना कुछ वॉल्यूम था, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जिनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, और ये पार्टिकल्स इस कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते थे एंड दे यूज टू एग्जर्ट द प्रेशर. ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसके वॉल्यूम को सपोज हाफ कर दिया कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो अगर हम वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हुए, तो ऐसे केस में क्या हो गया, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पहले ज्यादा सरफेस एरिया को हिट कर रहे थे, अब उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम सरफेस एरिया को हिट करेंगे. रिजल्ट क्या होगा, अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सरफेस एरिया बढ़ गया, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, इसीलिए बॉयल्स लॉ में आपसे कहा गया था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगेन आई रिपीट कि अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स भी कॉन्स्टेंट रहेंगे. तो ऐसे केस में अगर आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो वॉल्यूम हाफ करने से क्या होगा, पर यूनिट सरफेस एरिया पर स्ट्राइक करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, अगर वो बढ़ जाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा. सो दिस प्रूव्स द बॉयल्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, सेकेंड लॉ जो यहां पर दिया गया था दैट वॉज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में आपको क्या बताया गया था, चार्ल्स लॉ में कहा गया था एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ हम अब इसी के साथ फिर से प्रोसीड कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक मिक्सचर, एक सिस्टम था ऑफ गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सर्टेन टेम्परेचर. इनका अपना कुछ टेम्परेचर रहा होगा और अपना कुछ प्रेशर भी रहा होगा और अपना कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा. सपोज ऐसे केस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो उसका इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो ये सरफेस से टकरा रहे थे, नंबर ऑफ कोलिजन्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कांस्टेंट रहे, और वो नंबर ऑफ कोलिजन्स कब कांस्टेंट रहेंगे, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम आप बढ़ाओगे. राइट, तो अगेन आई रिपीट कि अगर हम इस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन पर यूनिट एरिया बढ़ाना, वो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. ऐसे केस में अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स कांस्टेंट बनाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कब कांस्टेंट बनेंगे, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, और इसी के साथ साथ आपने एक दूसरा लॉ भी पढ़ा था विच इज नोन एज एमोंटन्स लॉ. एमोंटन्स लॉ में आपसे क्या कहा गया था, दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम At constant volume, pressure is directly proportional to temperature. और वो आपने अभी यहाँ पर देखा कि अगर हम temperature बढ़ाते हैं, temperature बढ़ाना मतलब molecules की kinetic energy का बढ़ना, kinetic energy का बढ़ना मतलब number of collisions का बढ़ना.
ऐसे केस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर आप वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं करते, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए आप कहते हो अकॉर्डिंग टू अमोंटल्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एंड अनदर लॉ जो आपने गैस लॉज के केस में पढ़ा था, दैट वॉज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ कैसे एक्सप्लेन हुआ? डाल्टन्स लॉ क्या था कि इन अ गैसेस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, तो ऐसे केस में इस टोटल मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। और इंडिविजुअल प्रेशर क्या थे, पार्शियल प्रेशर्स क्या थे, ये वो प्रेशर्स थे जो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं जब वो उसी सिस्टम में उसी टेम्परेचर पर अकेले प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम इन नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिला देते हैं, तो इन नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिलने से जो गैस मॉलिक्यूल्स की हिटिंग टेंडेंसी थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या आप ये कह सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल जिस एक्सटेंट से वॉल्स ऑफ कंटेनर को हिट कर रहे थे, उस एक्सटेंट पर अब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या शो करता है? ये शो करता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होते। तो ऐसा काइनेटिक गैस थ्योरी में कहा गया था कि एज द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, इन पर किसी तरह के कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे, तो हर मॉलिक्यूल अपना इंडिविजुअल फीचर या अपना इंडिविजुअल प्रेशर शो करने का कैपेबल है, ठीक है। सो इन दिस वे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। तो अपने आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात की है कि हाउ गैस लॉज हैव बीन थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाउ वी विल गेट द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ दीज गैस लॉज यूजिंग आइडियल यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। और काइनेटिक गैस इक्वेशन से इन गैस लॉज के डेरिवेशन के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल एंड रियल गैसेस। गुड बाय टिल देन।